क्या खटाई ना खटाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 सितंबर 2024 और सुबह हो चुकी है। मैंने मुंह वगैरह धो लिया है दोस्तों, और आज का जो भी शेड्यूल रहेगा हम आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करेंगे। और सभी लोग जो है ना ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, और मेरे लिए यहीं पे लेके आ गए क्योंकि मुझे लेट उठने की आदत है। सो दैट्स व्हाई। सो चलते हैं। तो दोस्तों, इट्स टाइम टू ईट सम ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में परांठे हैं जो कि ये बंदे लेके आए हैं। थैंक यू। आप लोगों ने नीचे ही खाया क्या? तो मुझे क्यों नहीं बोला? ये भी पॉइंट है। मैं आपको परांठों की शक्ल दिखा दूँ, इससे पहले मेरी बेइज्जती हो जाए। ये देखो भाई, परांठा आलू का, और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। बाद में देखना आप लोग, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। से हमारे YouTube चैनल का नाम है। तो कैसे आप सब आए हो? हमारी शक्लें कितनी गंदी लग रही है। हम सो के उठे, मूवी नहीं तो है इसलिए हमारी शक्लें ऐसी है। यहाँ देखो कुमार, यहाँ देखो हरीशी। हेलो हरीशी, आई एम वेरी वेरी टल्ली। आज सेकंड डे है यहाँ पे मनाली में, अलेऊ में हम, है ना? अलेऊ में हाँ। और यहाँ आज पंजाब से सिंगर आए हैं, उनके साथ देखते हैं क्या होता है, कैसा होगा शो। हम आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। आज का पूरा दिन चले आपके साथ शेयर करेंगे हम, मतलब बिल्कुल। हम थोड़ी देर बाद अभी रील्स बनाने में बैठेंगे, तो फिर वो भी दिखाएंगे आपको कि हम किस किस गाने पे रील्स बना रहे हैं। वैसे तो कल रात को भी बनाने की कोशिश की थी, पर इन्होंने पिछले ब्लॉग में वो नहीं डाला था, तो शायद आज के ब्लॉग में डाल दे, तो आज देखेंगे। ठीक है, शायद। हाँ शायद। 1 2 3
3 start. प्यार ना हो तो जिंदगी क्या? ओए खुद वाला बंद की तुम करे के कंफ्यूज वहां जो कंफ्यूज नहीं जिंदगी है जिंदगी 3 go. प्यार ना हो तो बंदगी क्या है? बंदगी क्या है? क्या जिंदगी क्या है? 1 2 3 go. प्यार ना हो चलो तू गा पहले चल स्टार्ट. प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है? प्यार ना हो तो बंदगी क्या है? प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है? प्यार ना हो तो 1 2 3 start. प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है? प्यार ना हो तो बंदगी क्या है? प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है? प्यार ना हो तो बंदगी क्या है? तेरे दम से आशिकी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले मिल जाए हम तो मेरी हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले hey guys, और अभी टाइम हो चुका है रात के पूरे 1 बज चुके हैं. वाओ मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ ना. तो हम अभी रील बनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे. हमको कोई एक्यूरेट गाना नहीं मिल रहा है जिसपे हम रील बना सके. हम कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत ज्यादा. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना हम लोग को किस टाइप के गाने पर रील बनाना. हाँ अभी हम आपको हमारा वो सारा कुछ शेड्यूल भी दिखाएंगे जो हमने इससे पहले वीडियो में किया है. गंदगी को लिया हम रील के लिए गाना सोच के यहाँ मर रहे हैं. मोला मोला देखो दोस्तों म्यूजिशियंस के साथ यही दिक्कत होती है. हमारे को बहुत सारे गाने आते हैं. मौला 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 मेरे मौला. तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए. ब्रेकफास्ट कर लिया था मॉर्निंग में एंड अभी लंच का टाइम हो गया है. वैसे मेरे को भूख नहीं है. ये जो है ना बंदे इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है. खाते पीते करके भाई जी तभी तो ऐसे हैं ना पतले. मेरे को बस लगता है कि वो कम है दिखने में तो फिर मेरे को ज्यादा हाथ डालने की आदत है. लेकिन फिर बाद में से खा नहीं जाता है क्योंकि मेरा पेट छोटा है. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं. अभी ये रहे हमारे रवि भैया. चलो बस आ रही है फिर. तू है वो लोग अभी खाने खाने बैठे हुए हैं. रेडी हो चुके हैं प्रोग्राम के लिए. शाम का टाइम हो चुका है. क्या कुछ भी बोलता है ये. पता है इसकी बातों को आपने गौर नहीं करना है. तो अब जा रहे हैं हम लोग. आज भी आपको दर्शन करवाते हैं गणेश भगवान जी के. ठीक है ऐसा है. हमें ज़्यादा चलने को नहीं है दोस्तों. मतलब होटल के साथ में ही है जो हमारा जहाँ पे कार्यक्रम है वो बिल्कुल साथ में है. ठीक है सूर्य कोटि समप्रभ गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. दोस्तों अरे गणपति बप्पा पप्पा मोरिया. आज भी हम लोग प्रोग्राम में हैं. बैठे हुए हैं नाली में. बैठे हैं पीछे पटाखे जल रहे हैं. पटाखे जितने लोग
यहाँ पहुँचे हैं, इस पंडाल में पहुँचे हैं, आप सबकी मेरे महादेव अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपनी शेरा वाली मैया की, आप सब की भी, आपके परिवार की भी, आपकी गौ माता की भी, मेरे वृंदावन बिहारी लाल की। मस्त मलंग शिव बोलया, मस्त जगम नु बधाई दा, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, जल बुलाया बोलिए गरीबा माता की, अपने अपने कुल महाराज की, सभी ऊंचे पर्वत पे रानी प्रोग्राम खत्म हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ताबड़तोड़ प्रोग्राम था भाई आज का। अब हम चैन से जाके डिनर करेंगे और आपको दिखाएंगे आज खाने में क्या होगा, पता नहीं, हमें नहीं पता पता। दोस्तों ये उड़ीसा की डिश है, उड़ीसा की खटाई बोलते हैं इसको, खटाई क्या, खटाई ना, खटाई क्या बोलते हैं भैया, उड़ीसा तेरी जान, नहीं 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 बस खटाई सब्जी है, पोई सजे और इसको सजनी बोलते हैं, देखो ये डंडी से। आज हमने किया उड़ीसा का फूड ट्राई, सजनी रे, हमारी लैंग्वेज में सजनी क्या होता है, लाड़ी लाड़ी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, पार्टनर, बट इनकी लैंग्वेज में सजनी एक डिश है जो कि मैंने खाई। तूने खाई सजनी? खाई अस्सी चबा चबा के गंदा क्या भाई, सजनी सच में टेस्टी थी यार, जो भी बोलो, और खटोई भी बहुत सही था, और दूसरी दाल जो बताई थी उन्होंने, मेरे को उसका नाम नहीं पता, बट जो भी ऑल ओवर खाना था वो बहुत टेस्टी था। अब हम लोग जाएंगे अपने रूम्स को, एक्चुअली मैंने तो अपना सामान पहले ही रख दिया था रूम में जाके, इन लोगों ने भी आ गए थे मेरे पीछे पीछे, बाकी बहुत ही आनंद रहा, थैंक यू बताने के लिए। क्या बताया था वो दूसरी वाली, खटाई डालमा मिक्स, डालमा मिक्स ठीक है, हमने खाया आज खटाई और डालमा मिक्स, मतलब इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, और बहुत टेस्टी था, ठीक है।